ये कहानी गुड्डू नाम के एक लड़के की है। गुड्डू एक बहुत ही होशियार लड़का था। वो हमेशा से अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन ज्यादा पढ़े लिखे ना होने के कारण वो किसी बड़ी कंपनी में काम नहीं कर पाया। अंत में उसने कुछ पैसे जमा करके एक साड़ी का शोरूम खोल लिया। शुरुआती दिनों में गुड्डू का शोरूम बिल्कुल नहीं चल रहा था, जिस कारण गुड्डू बहुत परेशान रहता था। मैं आखिर ऐसा क्या करूं जो ग्राहक मेरे शोरूम से वापस न जाए, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तभी वहां पर एक ग्राहक आती है और कहती है, भैया एक अच्छी सी साड़ी दिखाना। गुड्डू अपने शोरूम की बहुत सारी सुंदर सुंदर साड़ियां उस ग्राहक को दिखा देता है। साड़ियों को देखने के बाद ग्राहक कहती है, भाई साहब आपके यहाँ की साड़ियाँ तो बहुत सुंदर है, लेकिन ये मेरे ऊपर कैसी लगेंगी मुझे ये समझ नहीं आ रहा, और मुझे साड़ी पहननी भी नहीं आती है कि मैं अभी ट्रायल रूम में जाकर साड़ी पहनकर देख लूं। आप रुकिए, मैं आपको साड़ी पहनकर दिखाता हूं। ऐसा कहकर गुड्डू साड़ी पहनकर उस औरत को दिखाता है। अरे वाह भैया, जब आपके ऊपर ये साड़ी इतनी अच्छी लग रही है तो मेरे ऊपर भी अच्छी ही लगेगी। एक काम कीजिए, आप ये वाली साड़ी पैक कर दीजिए और इसी डिजाइन में 2-3 कलर और पैक कर दीजिएगा। गुड्डू फटाफट साड़ी पैक कर देता है। इसी तरह अब उसके दुकान पर जो भी ग्राहक आते वो उन्हें साड़ी पहन कर दिखाता था, जिससे कि उसका शोरूम अच्छा चलने लगा। गुड्डू को भी लोगों को साड़ी पहन कर दिखाने में कोई परेशानी नहीं थी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन गुड्डू ने आरती नाम की एक लड़की से शादी कर ली। शादी करके गुड्डू बहुत खुश था। एक दिन, सुनिए ना, आप तो शोरूम में चले जाते हैं और मैं पूरे दिन घर में अकेले बोर होती हूँ, क्या मैं भी आपके साथ चलूं? आपका काम में थोड़ा हाथ भी बटा दूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम मेरे साथ चल सकती हो। ऐसा कहकर गुड्डू आरती को अपने साथ शोरूम में ले जाता है। थोड़ी देर बाद शोरूम में एक ग्राहक आती है और वो साड़ी पसंद करने लगती है। अरे मैडम, आप इतनी सुंदर हो, साड़ी का यह रंग भी आपके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। साड़ी का रंग तो अच्छा है भैया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मुझ पर खिलेगी। ये कैसी बातें कर रही हैं आप रुकिए। कुछ देर बाद गुड्डू वो साड़ी पहनकर बाहर आता है। देखिए मैडम, ये साड़ी जब मुझ पर इतनी अच्छी लग रही है, तो जब आप इसे पहनकर पूरी तरह तैयार होंगे तो आप कितनी सुंदर लगोगी। देखिएगा, आपकी सहेली आरती तो आपसे जल भुन जाएगी। लेकिन आपको कैसे पता मेरी सहेली का नाम आरती है? हमारे यहाँ हर एक घर छोड़कर आरती नाम की लड़की मिल ही जाती है मैडम। बिल्कुल ठीक कहा आपने, चलिए ठीक है, आप ये साड़ी पैक कर दीजिए। गुड्डू फटाफट वो साड़ी मैडम के लिए पैक कर देता है। वहाँ बैठी आरती ये सब देख रही थी। पहले तो गुड्डू का साड़ी पहनना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और फिर आरती नाम का मजाक बनाना उसे और अच्छा नहीं लगा। वो गुस्से में बिना कुछ कहे दुकान से बाहर आकर बैठ जाती है। अब हमेशा ऐसा ही चलता रहा। आरती रोज गुड्डू के साथ उसके शोरूम में जाती थी और गुड्डू वहाँ पर लड़कियों को साड़ी पहन कर दिखाता था। एक दिन गुड्डू ने साड़ी पहन रखी थी और तभी उसकी पड़ोसन ने उसे देख लिया। फिर वो दूसरी औरत से गुड्डू का मजाक बनाते हुए कहती है, अरे बहन जी, उस आरती के तो भाग खुल गए, जो साड़ी पहनने वाला पति मिल गया उसे। वो गुड्डू इतने अच्छे से साड़ी बांधता है कि क्या ही कहूँ। तू सच कह रही है बहन, अपनी लुगाई की भी साड़ी वही बांधता होगा। वैसे एक बात कहूँ, कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साजे। भगवान ने जब औरत और आदमी बनाए हैं तो उन्हें भी अपने अपने हिसाब से रहना चाहिए। साड़ी औरतों पर ही अच्छी लगती है, मर्दों पर नहीं। इस तरह गुड्डू की पड़ोसने उसकी चुगली करने लगती हैं। तभी वहाँ पर गुड्डू की बीवी आरती आ जाती है। आरती को देखकर उनमें से एक औरत बोलती है, अब समझ में आया आरती बहू कि तुम्हारे घर में रोज लड़ाई की आवाज क्यों आती है। सच बता, तू भी अपने पति के साड़ी पहनने वाली आदत से खुश नहीं है ना? हम झगड़ा करें चाहे कुछ भी करें, आपको उससे क्या मतलब? अपने काम से काम रखा कीजिए, समझे? आरती उन सभी औरतों को भला बुरा सुनाकर अपने घर आ जाती है। इन औरतों को भी ना इधर उधर की चुगली करने के अलावा और कुछ नहीं आता। अपना घर तो संभलता नहीं है, इनसे आ जाती हैं दूसरों के घरों में ताक झांक करने। आने दोस्त गुड्डू के बच्चे को, उसकी वजह से ये औरतें मुझे कितना ताना मारती हैं। रात को जब गुड्डू घर पहुंचता है तो आरती से कहता है, आरती डार्लिंग, कहाँ पर हो? मेरे लिए खाना लगा दो यार, बहुत भूख लग रही है। मर गई है तुम्हारी आरती डार्लिंग, इसलिए बाहर जाकर खाना खा लो। अरे क्या हो गया, क्यों इतना गुस्सा हो रही हो? तुम्हारे शोरूम में और भी तो लोग होंगे ना, फिर तुम्हें ही क्या जरूरत है सबको साड़ी पहनकर दिखाने की?
और साड़ी पहनना तुम्हें इतना ही पसंद है ना, तो फिर ये पैंट कमीज छोड़कर साड़ी पहनकर ही शोरूम जाया करो। अरे बस भी करो आरती, हर वक्त बस तुम्हें लड़ने का बहाना चाहिए होता है। अरे मैं ग्राहक को साड़ी पहनकर इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई ग्राहक मेरे दुकान से खाली हाथ वापस जाए। तुम्हें पता भी है, तुम्हारी वजह से आज पड़ोस की औरतों ने मेरा कितना मजाक बनाया। मेरा तो तुम्हारी बातों से पेट भर गया, जा रहा हूँ सोने। उस रात गुड्डू भूखे पेट ही सो जाता है। इसी तरह 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन आरती का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ था। फिर गुड्डू आरती से कहता है, अच्छा बाबा मान भी जाओ, अब से मैं किसी ग्राहक को साड़ी पहनकर नहीं दिखाऊंगा। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि इस काम के लिए तुम अपने शोरूम में एक लड़की रख लो। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। गुड्डू अपने शोरूम के बाहर एक बोर्ड लगवा देता है। कुछ दिनों बाद एक लड़की उसके शोरूम में आती है। गुड्डू उस लड़की का इंटरव्यू लेता है और उसे अपने शोरूम में काम पर रख लेता है। लेकिन जब भी कोई ग्राहक वहां आता था तो वो लड़की ठीक से साड़ी पहनकर उन्हें नहीं दिखा पाती थी, जिससे कि ग्राहक उसके शोरूम से खाली हाथ ही लौट रहे थे। ठीक से काम ना करने की वजह से गुड्डू उस लड़की को डांट लगाता है, जिससे गुस्सा होकर वो लड़की नौकरी छोड़कर चली जाती है। अब ग्राहकों को साड़ी पहनकर ना दिखाने की वजह से उन्हें साड़ी समझ नहीं आती थी, इसलिए वो साड़ी बिना खरीदे ही जाने लगते हैं, जिससे कि गुड्डू को काम में नुकसान होने लगता है। एक रोज जब उसके दुकान पर एक ग्राहक आती है तो उसे ना चाहते हुए भी साड़ी पहनना पड़ता है, क्योंकि वो उसकी पुरानी ग्राहक थी। वो साड़ी पहनकर अपनी ग्राहक को दिखा ही रहा होता है कि तभी उसके फोन पर आरती का फोन आता है। गुड्डू, मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है और मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। ऐसा कहते कहते आरती बेहोश हो जाती है। हेलो हेलो आरती, क्या हुआ तुम्हें? आरती के कुछ ना बोलने पर गुड्डू झट से कार में बैठता है और घर पहुंचता है, जहां वो देखता है कि आरती बेहोश पड़ी है। वो झट से आरती को गोद में उठाता है और हॉस्पिटल ले जाता है, लेकिन इन सब में वो भूल जाता है कि उसने साड़ी पहन रखी है। डॉक्टर आरती का इलाज करते हैं। कुछ देर बाद वो होश में आ जाती है और गुड्डू को साड़ी पहने देख उस पर बहुत गुस्सा करती है। तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे ना गुड्डू, तुम्हें शर्म नहीं आती है? पहले तो तुम सिर्फ शोरूम के अंदर साड़ी पहनते थे, अब तुम साड़ी पहनकर घूमने लगे हो, तुम्हें कुछ भी कहना बेकार है। गुड्डू कुछ कहता उससे पहले ही गुड्डू के शोरूम में काम करने वाला एक आदमी वहाँ आता है और कहता है, मैडम आप शायद नहीं जानती हो, पिछले कुछ दिनों से हमारा शोरूम बहुत नुकसान में जा रहा है। सर ने जिस लड़की को काम पर रखा था वो लड़की भी काम छोड़कर चली गई, पूरा शोरूम खाली पड़ा था। इसलिए जब कुछ ग्राहक आए तो सर ने सोचा उन्हें साड़ी पहनकर दिखा देना ही सही रहेगा, और इसी बीच आपका फोन आ गया, इसलिए सर जिस हालत में थे उसी हालत में आपको अस्पताल ले आए। और वैसे भी मैडम, गुड्डू सर अकेले नहीं है जो कस्टमर को साड़ी पहनकर दिखाते हैं, ऐसे बहुत सारे दुकानदार हैं जो कस्टमर को साड़ी पहनकर दिखाते हैं। उस आदमी की बात सुनकर आरती को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो गुड्डू से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगती है, और फिर कभी उस पर गुस्सा नहीं करती और ना ही उससे झगड़ा करती है, और साथ ही ताने देने वाले लोगों को भी मुंह तोड़ जवाब देती है और गुड्डू के साथ जाकर शोरूम में उसकी मदद करवाती है, और इस तरह वो लोग अब खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। सोनपरी की जादुई छड़ी की चोरी। बहुत समय पहले किसी गांव में आरती अपनी सौतेली बहन चंपा के साथ रहती थी। उनके माता पिता को गुजरे 5 साल बीत चुके थे। दोनों एक टूटी फूटी झोपड़ी में अपना गुजारा कर रहे थे। आरती स्वभाव से बहुत ही नेक और दयालु थी, जबकि उसकी सौतेली बहन चंपा बहुत ही घमंडी और लालची थी। वो गांव में किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। वो अक्सर गांव में रहने वाली लड़कियों से छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा किया करती थी। आरती अपनी सौतेली बहन चंपा को बहुत समझाती, लेकिन वो उसकी एक न सुनती, न ही घर का कोई काम करने में उसकी मदद करती। ऐसी ही एक दिन, चंपा सारा दिन भर अकेले काम करके मैं बहुत थक जाती हूँ, तुम घर के कामों में मेरी मदद क्यों नहीं करती? नौकरानी वाले काम मुझसे नहीं होंगे, ऐसे काम तुझको ही शोभा देते हैं। इतना कहकर चंपा आईने के सामने अपने बाल संवारने लगी। बेचारी आरती घर का सारा काम खत्म कर दो पैसे कमाने के लिए दूसरों के घरों में साफ सफाई का काम करती। एक दिन की बात है, सोनपरी अपनी परी सखियों के साथ उसी गांव में घूमने पहुंची।
वहाँ सुंदर बहता हुआ झरना देख सभी परियां वहीं रुक गई और झरने के नीचे नहाने लगी। तभी इत्तेफाक से चंपा घूमते घूमते वहाँ जा पहुँची और मन ही मन बोली, घर में बैठे बैठे बोर हो रही थी, आज क्यों ना झरने के नीचे नहाने का आनंद लूं, मूड फ्रेश हो जाएगा। उस आरती की बच्ची ने सुबह सुबह मेरा सारा मूड खराब कर दिया। लेकिन तभी परियों को झरने के नीचे नहाते देख चंपा घबराते हुए एक पेड़ के पीछे छुप गई और बोली, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही और ये तो परियां हैं। तभी आपस में परियां बात करने लगी, राजकुमारी सोनपरी, आज फिर से आप रानी परी को बिना बताए पृथ्वी लोग घूमने आ गई। अगर उन्हें पता चल गया तो बहुत गुस्सा होंगी, इसलिए जल्दी से यहाँ से चलते हैं। अरे अभी अभी तो आई हैं, इतनी जल्दी भी क्या है, वैसे भी रानी माँ को कुछ पता नहीं चलेगा, वो चंद्रलोक किसी काम से गई है, उन्हें आने में समय लगेगा। अब ये सब बातें छोड़ो और झरने में नहाने का आनंद लो। चंपा उनकी बातें बड़े ही ध्यान से सुन रही थी। तभी चंपा की नजर झरने के पास एक चट्टान पर रखी चमकती हुई चीज पर पड़ी। फिर वो हैरानी से बोली, अरे ये तो जादुई छड़ी है, लगता है इन्हीं में से किसी परी की है, क्यों ना मैं ये जादुई छड़ी चुरा लूं, फिर तो मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। ये कहते हुए उन परियों की नजरों से बचकर चंपा जादुई छड़ी चुराकर वहाँ से भाग गई। कुछ देर बाद जब सोनपरी अपने सखियों के संग झरने से बाहर आई और चट्टान के पास अपनी जादुई छड़ी ना पाकर सोनपरी के होश उड़ गए। अरे मेरी जादुई छड़ी कहाँ गई? मैंने तो यही रखी थी। राजकुमारी लगता है किसी ने आपकी जादुई छड़ी चुरा ली है, रानी माँ को पता चलेगा तो वो बहुत गुस्सा होंगी, अब मैं क्या करूँ? राजकुमारी अब आप जल्दी से परलोक चलिए और रानी माँ को सच सच बता देना। पता है रानी माँ ने मुझे जन्मदिन पर जादुई छड़ी उपहार में दी थी, उन्हें मैं कैसे बताऊंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। बताना तो पड़ेगा, आपके पास कोई और दूसरा रास्ता भी तो नहीं है, अब चलिए, वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। उसके बाद सोनपरी अपनी सखी परियों के साथ वापस परीलोक लौट गई और महल पहुंचकर सोनपरी अपनी माँ रानी परी को डरते हुए सारी सच्चाई बताई, जिसे सुनते ही रानी माँ गुस्से से बोली, मेरी बेटी होकर तुम इतनी लापरवाह हो, अगर जादुई छड़ी किसी गलत हाथों में लग गई तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगी माँ। अच्छा ठीक है, अब तुम रोना बंद करो, मैं तुम्हारे जादुई छड़ी का पता जल्दी लगा लूंगी। वही दूसरी ओर चंपा जादुई छड़ी लेकर खुशी खुशी अपने घर पहुँची। अब मैं इस जादुई छड़ी का इस्तेमाल कर अपनी मन पसंद चीजें प्रकट कर सकती हूँ। मैं सबसे पहले अपने लिए ढेर सारे फैशनेबल कपड़े, गहने और मेकअप का सामान मांग लेती हूँ। ये कहकर चंपा ने जादुई छड़ी घुमाई और पलक झपकते ही उसकी कही हुई सारी चीजें प्रकट हो गई। चंपा ये देख खुशी से झूम उठी। अरे वाह, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा, अब देखती हूँ गांव की लड़कियाँ मुझे कैसे नीचा दिखाती है। अब मैं अपने लिए ब्रांडेड टीवी और फ्रिज भी मांगती हूँ, फिर मैं बैठकर मजे से अपना फेवरेट टीवी सीरियल देखा करूँगी और फ्रिज का ठंडा पानी भी पिया करूँगी। ये कहते हुए चंपा ने फिर से जादुई छड़ी घुमाई और देखते ही देखते एक बड़ा एलईडी टीवी और फ्रिज प्रकट हो गया। उसके बाद चंपा मजे से अपने कमरे में बैठकर टीवी देखने लगी। शाम को जब थकी हारी आरती काम पर से घर लौटी तो घर पर टीवी और फ्रिज देख हैरानी से चंपा से बोली, अरे चंपा ये टीवी और फ्रिज किसका है? ये मेरा है। क्या कहा, पर ये सब लाने के लिए तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? मुझे पैसों की क्या जरूरत, मेरे पास जादुई छड़ी है ना। जादुई छड़ी? हाँ ये देख, मेरे पास परी की जादुई छड़ी है। पर तेरे पास परी की जादुई छड़ी आई कहाँ से? मैं ये जादुई छड़ी चुरा कर लाई हूँ। ये कहते हुए चंपा आरती को सारी बात बताती है। सारी बात सुन आरती चंपा को समझाते हुए बोली, ये तूने अच्छा नहीं किया, तुझे परी की जादुई छड़ी नहीं चुरानी चाहिए थी, अगर परी को तेरे बारे में पता चल गया तो वो तुझे कड़ी सजा देंगे। अपनी बकवास बंद कर, मुझे पता है तुम उसे बहुत जलती है। अब जाओ यहाँ से और मुझे मेरा फेवरेट सीरियल देखने दे, समझी? इतना कहकर चंपा आरती की बात को अनसुना कर टीवी देखने में मग्न हो गई। कुछ देर बाद चंपा को जब भूख लगी तो
तो उसने जादुई छड़ी की मदद से अपने लिए ढेर सारा स्वादिष्ट पकवान प्रकट कर मजे से खाने लगी। वहीं बेचारी आरती सूखी रोटी खाकर सो गई। फिर अगली सुबह चंपा नए कपड़े और गहने पहनकर गांव भर में घूमने लगी। चंपा को देख गांव की लड़कियां हैरानी से आपस में बातें करने लगी। अरे देखो तो इस चंपा को कितना इतरा रही है, इसके पास नए कपड़े और गहने कहाँ से आए, कहीं से चुरा कर लाई होगी, इस भिखारन के पास इतने पैसे कहाँ जो अपने लिए ढंग का कपड़ा भी खरीद सके, मुझे तो लगता है कहीं से मांग कर लाई होगी, किसी ने तरस खा कर दे दिया होगा भिखारिन को। ये कहते हुए लड़कियां चंपा पर हंसने लगी। तब चंपा गुस्से से बोली, मेरा मजाक उड़ाना बंद करो समझी, वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन लड़कियों ने उसका मजाक उड़ाना बंद नहीं किया। ये देख चंपा गुस्से से तिलमिलाकर बोली, रुको, लगते तुम ऐसे नहीं मानोगी, मैं अभी तुम्हें मजा चखाती हूँ। ये कहते हुए चंपा ने जादुई छड़ी घुमाई और उन सभी लड़कियों के बालों में आग लगा दी। देखते ही देखते उन सभी के बाल जल गए और वो गंजी हो गई। हम गंजी हो गए, हमारे सारे बाल जल गए, अब हमसे शादी कौन करेगा। रोना धोना बंद करो और भागो यहाँ से, अभी तो सिर्फ तुम्हारे बाल ही जलाए हैं, गुस्सा दिलाए तो तुम सभी को जलाकर राख कर दूंगी। चंपा की बात सुन सभी लड़कियां डरकर वहां से भाग खड़ी हुई। ये देख चंपा जोर जोर से हंसने लगी। उन लड़कियों को मैंने अच्छा सबक सिखाया, अब देखती हूँ कैसे मुझसे नजरें मिलाती है। घर आकर चंपा कुछ सोचते हुए बोली, मेरे पास नए कपड़े और गहने तो ढेर सारे हैं, फिर मैं इस टूटी फूटी झोपड़ी में क्यों रहूं? क्यों ना मैं अपने लिए आलीशान बंगला बनवा लूं? मेरे पास जादुई छड़ी जो है, अब मैं अपने जिंदगी ऐश आराम से बिताऊंगी। ये कहते हुए चंपा ने जादुई छड़ी का इस्तेमाल कर अपने लिए आलीशान बंगला प्रकट किया। अरे वाह, ये बंगला तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन मेरे बंगले के आसपास गांव वाले के बने झोपड़ी बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे, अब मैं गांव वालों को यहाँ से भगा दूंगी। उसके बाद चंपा सब गांव वालों को धमकाते हुए बोली, सुनो तुम सब लोग, जल्दी से गांव खाली करके यहाँ से चले जाओ, वरना तुम सबके घर चलाकर राख कर दूंगी। ये तुम क्या कह रही हो, कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं अपने आलीशान बंगले के आसपास तुम जैसे गरीब लोगों की झोपड़ियां बर्दाश्त नहीं कर सकती। हम अपना घर छोड़कर नहीं जाएंगे, समझी? घमंड में चोर चंपा को गांव वालों पर अत्याचार करते देख आरती गुस्से से बोली, चंपा तुम ये क्या कर रही हो, तुम होश में तो हो? तुम जादुई छड़ी का गलत इस्तेमाल कर रही हो। ज्यादा गांव वालों की तरफदारी मत कर समझी, वरना तुझे भी गांव से बाहर कर दूंगी, और तुम गांव वालों, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। इतना कहकर चंपा ने जादुई छड़ी का इस्तेमाल कर सभी घरों में आग लगा दी। अपने घरों को जलता हुआ देख सभी गांव वाले रोते हुए बोले, अरे करमचली, आखिर हमने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने हमारे झोपड़ी में आग लगा दी, भगवान तुझे इसकी सजा जरूर देगा। चलो निकलो यहाँ से और जाकर जंगल में रहो, तुम लोगों को अभी मेरी शक्ति का अंदाजा नहीं है, मेरा बस चले तो मैं तुम सभी को जलाकर भस्म कर सकती हूँ। देखना चाहोगे, मेरे पास जादुई छड़ी है जिसे मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। चंपा के हाथों में जादुई छड़ी देख बेचारे सभी गांव वाले डर कर वहाँ से जाने लगे। तभी चंपा आरती से बोली, तू यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुँह क्या देख रही है, तुझे क्या अलग से कहना पड़ेगा, तू भी यहाँ से दफा हो जा, जंगल में जाकर अपने रहने की जगह ढूंढ ले। आरती दुखी होकर वहाँ से चली गई और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। तभी आसमान से सोनपरी अपनी रानी माँ के साथ उस गांव में आ पहुँची। झोपड़ियों में लगी आग को देखकर उन्हें बड़ी हैरानी हुई। तभी उन्हें पेड़ के नीचे रोते हुए आरती दिखाई दी। वो दोनों आरती के पास गई। आरती ने उन्हें सारी सच्चाई बताई। सच्चाई जान रानी परी गुस्से से बोली, उस लड़की की इतनी हिम्मत, उसने मेरी बेटी की जादुई छड़ी चुराई और छड़ी का गलत इस्तेमाल कर रही है, उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। ये कहकर रानी परी अपनी बेटी सोनपरी को लेकर चंपा के आलीशान बंगले में जा पहुँची और अपने जादुई शक्तियों से चंपा को बंदी बना लिया। ये देख चंपा गिड़गिड़ाने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, तुम अपनी जादुई छड़ी वापस ले लो, पर मुझे छोड़ दो। रानी परी ने चंपा से सब कुछ छीन लिया। उसके बाद रानी परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और गांव वालों की जलती हुई झोपड़ियों को सुंदर घरों में बदल दिया। ये देख सभी गांव वाले रानी परी का धन्यवाद करने लगे।
फिर चंपा को देख सभी गाँव वाले गुस्से से फूट पड़े। परी जी, आप इस दुष्ट को कड़ी से कड़ी सजा देना, इसने हमें घर से बेघर कर दिया था। ये कहते हुए सभी गाँव वाले चंपा को भला बुरा कहने लगे, लेकिन तभी चंपा की सौतेली बहन आरती बोली, माना कि मेरी बहन ने सभी गाँव वालों के साथ बहुत बुरा किया, लेकिन मेरी बहन को माफ कर दो रानी परी जी, आखिर जैसे भी है मेरी बहन है, मैं अपनी बहन की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। देखा दुष्ट लड़की, जिस बहन के साथ तुमने इतना गलत व्यवहार किया वही तुम्हारे लिए विनती कर रही है। चंपा को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ, फिर उसने सभी से माफी मांगी। उसके बाद रानी परी अपनी बेटी सोन परी के साथ वापस परीलोक लौट गई। अब चंपा का स्वभाव बिल्कुल ही बदल गया, वो घर के कामों में बहन आरती की मदद करने लगी। इस तरह सब कुछ ठीक हो गया। अब दोनों बहनें हंसी खुशी प्यार से मिलजुल कर रहने लगी। माँ, मुझे डॉक्टर बनना है। बिटिया, डॉक्टर बनने में बहुत पैसे लगते हैं, हम तो झोपड़पट्टी में रहते हैं, तो जो डॉक्टर बनाने में कैसे लाखों रुपए खर्च कर पाएंगे। मेरे कमर में दर्द रहता है, इसलिए मैं तो कहीं बाहर काम नहीं कर पाती। एक तेरे पापा हैं, वो भला दूसरों के खेतों में काम करके कहाँ इतना पैसा कमा पाते हैं। लेकिन माँ, मैं ये सब सोच समझ कर कभी सोचती हूँ कि ये सपना छोड़ दूँ, लेकिन छोड़ी ही नहीं जाती, मेरा दिल सा लग गया है। कोई बात नहीं, अभी बच्ची है ना, बड़ी हो जाएगी तो अपने आप भूल जाएगी। अभी जब तक स्कूल की पढ़ाई चल रही है तब तक पढ़ाई कर, बाकी बाद में तेरी शादी करवा देंगे। बस दिन रात भगवान से यही प्रार्थना करती रहती हूँ कि तेरी शादी हम जैसे गरीब घर में ना हो। मानसी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, वो अपने क्षेत्र की टॉपर थी, उसने भी अपने लिए एक सपना देख रखा था, लेकिन उसकी घर की आर्थिक हालत इतनी खस्ता थी कि उसे अपना सपना पूरा करना नामुमकिन लगता था। अपनी माँ के कई बार समझाने के बाद भी मानसी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देती थी और हमेशा अपने सपने के बारे में सोचती रहती थी। वो लोग इतने गरीब थे कि उनके घर में लाइट भी नहीं रहती थी। मानसी स्कूल से आकर भी पढ़ाई करती थी, रात में अंधेरा होने के बाद वो गांव के चौक पर चली जाती थी जहां पर एक लाइट लगी हुई थी, उस लाइट के नीचे बैठकर मानसी पढ़ाई करती थी। हर दिन की तरह मानसी लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई कर रही थी, तभी वहां से उसके स्कूल की एक लड़की दिशा गुजर रही थी। दिशा मानसी को देखती है और उसके पास जाती है। मानसी, यहाँ क्या कर रही है तू? दिशा, मेरे घर में बिजली नहीं आती है, इसलिए अंधेरा होने के बाद मुझे यहाँ पढ़ना पड़ता है। थोड़ी देर बाद मेरे पापा आएंगे और मुझे यहाँ से ले जाएंगे। तुम लोग अपने घर में बिजली का कनेक्शन क्यों नहीं लगवा लेते हो? दिशा, बिजली का कनेक्शन लगवाने के लिए बहुत पैसे लगते हैं, इतना पैसा नहीं है हमारे पास, और फिर कनेक्शन लगने के बाद हर महीने बिजली का बिल भी आएगा, हम लोग इतना पैसा कहाँ से दे पाएंगे। और बता, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? मेरी पढ़ाई तो अच्छे से चल रही है, मैंने नई कोचिंग सेंटर में एडमिशन लिया है। अच्छा, कितनी फीस है वहाँ पर? अगर 300 तक हुआ तो मैं भी अपना एडमिशन करवा लूँगी। 300 रुपए? पागल है क्या? कोचिंग वाले एक साथ साल भर के पैसे लेते हैं, वो भी 3 लाख रुपए। अरे अरे नहीं, इतने पैसे तो मैंने एक साथ कभी देखे तक नहीं है। वैसे दिशा, तेरे पास स्कूल में मैंने एक साइंस की किताब देखी थी, वो मेरे पास नहीं है, क्या तू अपनी किताब मुझे कुछ दिनों के लिए देगी? मैं तेरे घर आ जाऊंगी लेने। अरे नहीं, वो किताब बहुत महंगी है, अगर मेरे मम्मी पापा को पता चला कि इतनी महंगी किताब मैंने खुद ना पढ़कर तुझे दे दिया तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी, मैं तुझे कल स्कूल में दे दूंगी। अगले दिन दिशा मानसी को साइंस की किताब दे देती है, लेकिन वो 2 दिन बाद ही अपनी किताब वापस लेने आ जाती है। मानसी, मुझे मेरी किताब दे दे। लेकिन तूने तो कहा था कि 1 हफ्ते मैं अपने पास रख सकती हूँ, और तू 2 दिन में ही आ गई? हाँ, क्योंकि मेरी मम्मी इस किताब के बारे में पूछ रही थी, मैं उन्हें क्या जवाब देती, इसलिए तू मेरी किताब मुझे वापस कर दे। मानसी दिशा की किताब उसे वापस कर देती है। मानसी के पास अच्छे से पढ़ाई करने के लिए कोई किताब भी नहीं थी, तभी वहाँ पर मानसी की माँ रेखा आती है। क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, बस मैंने दिशा से किताब ली थी तो वही लेने आई थी, मेरे पास किताब नहीं है ना, इसलिए मैं सबसे मांग मांग कर पढ़ाई करती हूँ। ये सुनकर रेखा उदास हो जाती है, लेकिन वो अच्छे से जानती थी कि वो कुछ नहीं कर सकती है। कुछ साल बीत जाते हैं,
मानसी की स्कूल की पढ़ाई पूरी हो जाती है। उसने अपने स्कूल में टॉप किया था, इसलिए उसका एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। मानसी का कॉलेज उसके घर से बहुत दूर था। घर से कॉलेज के बीच में एक जंगल पड़ता था। मानसी के पास पैसे नहीं होते थे कि वो किसी साधन से कॉलेज तक जाए, इसलिए वो जंगल के रास्ते पैदल पैदल कॉलेज जाती थी। हर दिन की तरह मानसी जंगल के रास्ते कॉलेज जा रही थी, तभी कूड़े के ढेर के बीच मानसी को एक किताब नजर आती है। मैं हूँ जिसे पढ़ने के लिए किताब नहीं मिलती है, और ना जाने कौन अपनी इतनी अच्छी किताब कूड़े के ढेर में छोड़कर चला गया। मानसी कूड़े के ढेर के बीच में जाती है और किताब उठाती है। वो किताब खोलकर देखती है और हैरान रह जाती है। अरे ये तो नीट की किताब है, इसे पढ़कर अगर मेरा नीट का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो गया तो मैं डॉक्टर बन जाऊंगी। ये किताब खरीदने के मेरे पास पैसे नहीं थे और मुझे ये किताब कूड़े के ढेर में मिल गई। मानसी बहुत खुश थी। वो किताब अपने बैग में रख लेती है और कॉलेज चली जाती है। क्लास में उसकी टीचर आती है। आज मैं तुम सबका मैथ्स और केमिस्ट्री का टेस्ट लूंगी। दो सवाल दूंगी, 45 मिनट मैथ्स के लिए और 45 मिनट केमिस्ट्री के लिए। टीचर ब्लैक बोर्ड पर सवाल लिखती है। सवाल देखकर मानसी सोचती है, अरे ये तो मुझे अच्छे से आता ही नहीं है, क्योंकि अभी तक मैंने किताबें नहीं खरीदी थी। अब ये मैं कैसे सॉल्व करूंगी? तभी उसके बैग में से एक आवाज आती है, मानसी ये बहुत इजी है। मैथ वाले सवाल में ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाना सॉल्व हो जाएगा, और केमिस्ट्री के सवाल में H2O और O2 वाला फॉर्मूला लगाना वो भी सॉल्व हो जाएगा। मानसी सोचने लगती है कि ये आवाज कहाँ से आई है। तभी वो अपने पीछे देखती है, उसके पीछे एक लड़की बैठी हुई थी, लेकिन मानसी को लग रहा था कि उस लड़की से तो उसकी बात भी नहीं होती है, फिर वो उसकी हेल्प कैसे कर सकती है। फिर मानसी सवाल सॉल्व करने लगती है और थोड़ी देर बाद टीचर को दे देती है। तुमने तो सारे सवाल सही किए हैं, वो भी सबसे पहले, वेरी गुड। थोड़ी देर बाद टीचर सबका टेस्ट पेपर लेकर चली जाती है। मानसी अपने पीछे बैठी हुई लड़की के पास जाती है। नेहा, तुमने पीछे से मेरी मदद की थी क्या? नहीं तो, मुझे खुद कुछ नहीं आता था, तुम्हें क्या बता पाती मैं। ओह, मुझे किसी लड़की की आवाज आई थी और मेरे पीछे तो तुम ही बैठी थी, इसलिए मुझे लगा कि तुमने ही बताया होगा। मानसी बार बार वही बातें सोच रही थी। कुछ घंटों बाद वो घर वापस आ जाती है, तभी उसे फिर से वही आवाज आती है, मानसी मुझे बहुत गर्मी लग रही है, बाहर निकालो। ओफो, कितनी गर्मी है यहाँ। ये तो वही आवाज है जिसने कॉलेज में मेरी मदद की थी, शायद ये आवाज मेरे बैग से आ रही है। मानसी अपना बैग खोलती है और जंगल में मिली हुई किताब बाहर निकालती है। इसमें तो सिर्फ किताब है, फिर ये आवाज? वो आवाज मेरी ही थी। सच में तुम बोल रही थी क्या? और क्या, और हाँ एक बात ध्यान से सुन लो, अब दोबारा मुझे इस बैग में मत रखना, मेरा दम घुट रहा था बैग के अंदर। वैसे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी दोस्त बन सकती हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मानसी मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ, मुझे ये भी पता है कि तुम डॉक्टर बनना चाहती हो, लेकिन पैसों की कमी की वजह से तुम अच्छी कोचिंग नहीं ले सकती हो और ना ही महंगे महंगे किताबें खरीद सकती हो, इसलिए अब से मैं तुम्हारी मदद करूँगी। जब भी तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा तो मैं तुम्हें समझा दूँगी। अच्छा, लेकिन तुम मेरे लिए ये सब क्यों करना चाहती हो? मुझे तुम्हारे बारे में सब जानना है। अच्छा ठीक है सुनो, मैं परीलोक में रहती थी। मैं बहुत ही घमंडी थी और सबको नीचा दिखाती रहती थी। एक दिन बहुत सारी परियां रानी परी के पास मेरी शिकायत लेकर जाती है। रानी परी ने मुझे सजा सुनाई और फिर गलती मानने के बजाय मैंने रानी परी से झगड़ा करना शुरू कर दिया। इसलिए गुस्से में आकर रानी परी ने मुझसे मेरी जादुई छड़ी छीन ली और मेरे अंदर जितनी भी जादुई शक्तियाँ थी सब ले ली। उसके बाद मैं मामूली बन गई थी। उस हाल में रानी परी ने मुझे पृथ्वीलोक में भटकने के लिए छोड़ दिया। कई दिनों तक मैं पृथ्वीलोक पर इधर उधर भूखे प्यासे घूमती रही। तभी एक दिन मैं सड़क पार कर रही थी और एक बड़े से ट्रक ने मुझे टक्कर मार दिया और मेरी मौत हो गई। मेरी अकाल मृत्यु थी और मेरी बहुत सारी इच्छा थी जो पूरी नहीं हुई थी। वहीं आसपास एक किताब रखी हुई थी और मेरी आत्मा किताब के अंदर चली गई। कुछ दिनों बाद एक कूड़ा उठाने वाले व्यक्ति ने मुझे कूड़े के डब्बे में डाल दिया और जंगल में छोड़ दिया। फिर कुछ दिनों बाद मैं तुम्हें मिल गई। अब मैंने ठान लिया है कि तुम्हें डॉक्टर बनाकर रहूंगी, इससे मेरे पहले किए हुए पाप से भी मुक्ति मिल जाएगी। परी की बातें सुनकर मानसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं।
अरे तुम रोना बंद करो, तुम्हें अभी पढ़ाई करनी है। अगर मैंने तुम्हें डॉक्टर बना दिया तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम नीट क्लियर कर लोगी। अगले दिन से मानसी जादुई किताब के साथ अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने लग जाती है। मानसी किताब से पढ़ाई कर रही होती है। वो जो भी टॉपिक पढ़ना चाहती थी वो किताब में आ जाता था। अरे वाह, इसमें तो मुझे बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। थैंक यू परी। अच्छा चलो, अभी तक तुमने जो भी पढ़ाई की है मैं उन सबका टेस्ट लेती हूँ। अभी तो मैंने पढ़ाई की है और तुम टेस्ट ले रही हो। इतनी जल्दी टेस्ट देने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। अरे मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम अच्छा टेस्ट दोगी। इस तरह जादुई किताब मानसी की पढ़ाई में बहुत मदद करती थी। मानसी को उससे बात करने में भी बहुत अच्छा लगता था। अगले दिन मानसी कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी। दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। आधे रास्ते पहुंचकर मानसी एक दुकान में घड़ी देखती है। अरे हम तो कॉलेज जाने में बहुत लेट हो गए हैं। जादुई किताब तुमने मुझे लेट करवा दिया। ओहो, घर से निकलो तुम लेट और ना मीरा लगा रही हो। ये सुनकर मानसी हंसने लगती है। कुछ महीनों बाद एग्जाम आ जाता है और मानसी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लेती है। उसके घर में सब बहुत खुश थे। बिटिया, हमारे बिना किसी मदद की तूने एग्जाम पास कर लिया, अब जल्दी हमारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। देखा, पूरे गांव में मिठाई बांटती है। मानसी जादुई किताब के पास जाती है। क्या बात है मानसी, तुम्हारी रैंक तो बहुत अच्छी आई है। अब बहुत अच्छे कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन होगा और वहाँ तुम मन लगाकर डॉक्टर की पढ़ाई करना और कुछ सालों में तुम बहुत अच्छी डॉक्टर बन जाओगी। मानसी पास हुई थी लेकिन फिर भी वो उदास थी। उसका उदास चेहरा देख जादुई किताब बोलती है, इतनी खुशी के मौके पर क्या तुमने मुँह बना रखा है मानसी। तो और क्या करूं, अब तुम चली जाओगी ना। मुझे तो जाना ही है, मैंने अपना मकसद पूरा कर लिया, अब मुझे मुक्ति मिल जाएगी। भले ही आज के बाद ये किताब तुमसे बात ना कर पाए लेकिन तुम हमेशा मुझे याद रखना, बाय। उसके बाद परी की आत्मा किताब से निकलकर चली जाती है। मानसी किताब उठाती है और रोने लग जाती है। कुछ सालों बाद डॉक्टर की पढ़ाई पूरी करके मानसी बहुत बड़ी डॉक्टर बन जाती है। उसके डॉक्टर बनने के बाद उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। मानसी के गांव में जितने भी गरीब बच्चे थे सबकी पढ़ाई का खर्चा उठाती थी। एक दिन मानसी अपने कमरे में बैठी हुई थी। आज मैं अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ, पर ये सब जादुई किताब की मदद से हुआ है। अगर जादुई किताब ना होती तो शायद मैं अभी गरीबी की मार झेल रही होती। अब मैं हमेशा गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाऊंगी, क्योंकि मैं उस दर्द से गुजर चुकी हूँ कि बिना किताब और कॉपी के पढ़ाई करना कितना मुश्किल होता है। जादुई किताब को याद करते हुए मानसी की आंखें भर जाती है। अमीर बनने के बाद भी मानसी एक बहुत अच्छी इंसान रहती है। उसकी अच्छाई की वजह से गांव में सभी उसकी बहुत इज्जत करते थे। इस तरह मानसी हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रही थी। दुष्ट सौतेली बहन। ये कहानी रामपुर में रहने वाले एक परिवार की है। परिवार में केवल पति पत्नी थे, पति विनोद और पत्नी सुरेखा। सुरेखा गर्भवती थी, उसका नवा महीना चल रहा था। एकदम से सुरेखा के पेट में दर्द होने लगा। विनोद फौरन अपनी पत्नी को लेकर हॉस्पिटल गया। थोड़ी देर बाद नर्स एक छोटी सी बच्ची को हाथ में लेकर बाहर आई और बोली, मुबारक हो विनोद जी, आपको बेटी हुई है। विनोद बहुत खुश होता है और नम आंखों से अपनी बेटी को अपने गोद में लेता है। मेरी बच्ची कितनी प्यारी है, बिल्कुल सुरेखा पर गई है। मेरी बच्ची, तुझे देखकर तेरा बाप बहुत खुश है। नर्स, मेरी पत्नी सुरेखा कैसी है? देखिए, आपकी पत्नी की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, उन्होंने आपको अंदर बुलाया है। विनोद अंदर जाता है जहाँ पर सुरेखा बहुत दर्द में थी। वो अपनी अंतिम सांसें ले रही थी। वो अपने पति से कहती है, सुनो जी, मेरा जाने का वक्त आ गया है। ऊपर वाले ने मुझे माँ बनने का सुख तो दिया लेकिन इतनी उम्र नहीं दी कि ये माँ अपनी मासूम बच्ची को दूध तक पिला सके और अपनी ममता उस पर लुटा सके। वादा करो आप मेरी बच्ची का बहुत ख्याल रखोगे, उसे खूब पढ़ाओगे लिखाओगे। हाँ सुरेखा, मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हारी अंतिम इच्छा जरूर पूरी करूँगा। मेरी एक और अंतिम इच्छा है, मैं चाहती हूँ मेरी बेटी का नाम श्रद्धांजलि हो। दुनिया से जाते हुए सुरेखा के यही आखिरी लफ्ज थे।
अपनी पत्नी की मौत पर विनोद फूट फूट कर रोता है और उसका अंतिम संस्कार कर देता है। अपनी बेटी की देखभाल के लिए और सुरेखा की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए वो वैष्णवी नाम की एक औरत से शादी कर लेता है और उससे कहता है, वैष्णवी, मैंने तुमसे शादी अपनी निजी जरूरतों के लिए नहीं की है, बल्कि इसलिए की है ताकि मेरी मासूम बच्ची को माँ का प्यार मिल सके। श्रद्धांजलि मेरी पत्नी सुरेखा की आखिरी निशानी है। सुरेखा चाहती थी कि मेरी श्रद्धांजलि खूब पढ़ाई लिखाई करे। अजी, आप चिंता मत कीजिए, सुरेखा दीदी का ये सपना जरूर पूरा होगा। श्रद्धांजलि आज से मेरी बेटी है, लाइए बच्ची को मुझे दे दीजिए। वैष्णवी अपनी झूठी बातों से विनोद को यकीन दिला देती है कि वो एक बहुत अच्छी औरत है, लेकिन जैसे ही विनोद काम पर चला जाता है वो नन्ही सी श्रद्धांजलि को जमीन पर लिटा देती है, जिसके कारण श्रद्धांजलि बहुत रोने लगती है। नन्ही सी बच्ची पर बिना तरस खाए वैष्णवी बहुत अत्याचार करती थी। श्रद्धांजलि रोती रह जाती थी लेकिन वैष्णवी उसको दूध नहीं देती थी। एक दिन वैष्णवी गर्भवती हो जाती है और 9 महीने बाद वो भी एक बेटी को जन्म देती है। अपनी बेटी के जन्म के बाद वैष्णवी के मन में श्रद्धांजलि के लिए और भी ज्यादा सौतेलापन आ जाता है और वक्त के साथ 5 साल बीत जाते हैं। सुनिए विनोद जी, अब हमारी बेटी 5 साल की हो गई है, उसके स्कूल में एडमिशन करवा दीजिए। हाँ वैष्णवी, तुम ठीक कह रही हो, मैं कल ही श्रद्धांजलि और आरती दोनों का एक ही स्कूल में एडमिशन करवा देता हूँ। अगले दिन विनोद अपनी दोनों बेटियों का एक ही स्कूल में एडमिशन करवा देता है। उसके बाद से श्रद्धांजलि और आरती स्कूल जाने लगती हैं। श्रद्धांजलि को पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए वो क्लास के सारे टेस्ट में बहुत अच्छा नंबर लेकर आती थी, और वहीं दूसरी तरफ आरती का पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। हर टेस्ट में उसको 0 मार्क्स मिलते थे, इसलिए उसे स्कूल में टीचर से बहुत डांट पड़ती थी। पता नहीं मेरी सौतेली बहन हर बार टेस्ट में मुझसे ज्यादा नंबर कैसे लेकर आ जाती है। इसके पढ़ाकू होने की वजह से हर बार इसको टीचर से शाबाशी मिलती है और मुझे डांट पड़ती है। इसका तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद टीचर सभी बच्चों को होमवर्क दे देती है। छुट्टी होने पर आरती और श्रद्धांजलि घर आ जाती हैं। दोनों को घर आता देख वैष्णवी कहती है, अरे मेरी आरती बिटिया, स्कूल से घर आ गई तुम, क्या खाना है तुम्हें, मोमोज या पिज्जा या फिर कुछ और? मम्मी, मुझे मोमोज खाना है। मोमोज का नाम सुनकर श्रद्धांजलि अपनी माँ को उम्मीद भरी नजरों से देखने लगती है और कहती है, माँ मुझे भी मोमोज खाना है। श्रद्धांजलि की मोमोज खाने की ख्वाहिश सुनकर उसकी सौतेली बहन आरती उसकी चोटी खींचते हुए कहती है, खबरदार जो आज के बाद मेरी माँ को अपनी माँ कहा तो, ये तेरी माँ नहीं है बल्कि सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ है। अपनी माँ को तो तू पैदा होते ही खा गई। श्रद्धांजलि की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वैष्णवी के पास जाकर उससे कहती है, माँ आरती झूठ कह रही है ना, क्योंकि मेरी माँ तो आप हो। तेरी बहन बिल्कुल सही कह रही है, तू जिम्मेदार है अपनी माँ की मौत की, मैं तेरी कोई सगी माँ नहीं हूँ। इस बात का श्रद्धांजलि के दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ता है और वो अपने आप को कमरे में बंद करके फूट फूट कर रोने लगती है और रोते रोते सो जाती है। रात को जब विनोद घर आता है तो अपनी बेटी के कमरे में आता है और उससे पूछता है, क्या हुआ बेटा, मेरी फूल सी बच्ची का चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है? पिताजी, मेरी माँ कौन थी और वो कैसे मरी? अपनी माँ के बारे में श्रद्धांजलि को पूछता हुआ देखकर विनोद समझ जाता है कि वैष्णवी द्वारा उसको सब कुछ पता चल चुका है, इसलिए वो सुरेखा के बारे में श्रद्धांजलि को सब कुछ बता देता है, जिसके बाद श्रद्धांजलि आंसू पोंछकर कहती है, पिताजी अब मैं खूब पढ़ूंगी और अपनी माँ के सपने को पूरा करूंगी। उस रात श्रद्धांजलि टेबल पर अपना स्कूल का होमवर्क कर रही थी। होमवर्क करते करते वो सो गई, तभी वहाँ पर आरती आई और उसने श्रद्धांजलि के होमवर्क पर इंक गिरा दी। बेचारी मेरी बहन, कितनी मेहनत से उसने होमवर्क किया था और मैंने उसका सारा होमवर्क खराब कर दिया। श्रद्धांजलि की सुबह जब आँख खुलती है तो अपने होमवर्क पर स्याही बिखरी हुई देखकर वो बहुत रोती है। श्रद्धांजलि को पता था ये सब आरती ने किया है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपना होमवर्क दोबारा कर लेती है। इसी तरह एक दिन जब श्रद्धांजलि किताब पढ़ रही थी तो आरती ने आकर उसकी किताब छीन ली। तुमने मेरी किताब क्यों छीन ली, मुझे मेरी किताब वापस करो, मुझे पढ़ाई करनी है। नहीं दे रही मैं तुझे तेरी किताब, बता क्या कर लेगी,
मुझे तेरे साथ खेलना है, इसलिए मेरे साथ बाहर चलकर खेल, वरना मैं तेरी किताब फाड़ दूंगी। नहीं नहीं, तुम ऐसा मत करना, मैं तुम्हारे साथ जरूर खेलूंगी। उसके बाद श्रद्धांजलि घर से बाहर जाकर आरती के साथ खेलने लगती है। तभी बाहर बहुत जोर की बारिश शुरू हो जाती है। बारिश के कारण कीचड़ हो जाता है। आरती श्रद्धांजलि को कीचड़ में धक्का दे देती है। आरती, ये क्या किया तुमने? तुमने मुझे कीचड़ में गिरा दिया। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार करती हो? तुम बहुत बुरी हो। मनहूस कहीं की मुझसे जुबान लड़ाती है, तू रुक अभी बताती हूँ तुझे। आरती श्रद्धांजलि का स्कूल का बस्ता और उसकी कॉपी किताब सब कीचड़ में लाकर फेंक देती है, जिस वजह से बारिश के कारण श्रद्धांजलि की सारी कॉपी किताब फट जाती है। ऊपर से उस दिन वैष्णवी और आरती मिलकर बेचारी को बहुत मारते हैं और साथ ही श्रद्धांजलि से आगे पढ़ाई करने का हक भी छीन लिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ आरती बिंदास होकर स्कूल के बाद कॉलेज की पढ़ाई खत्म करती है। देखते ही देखते दोनों बहनें शादी के लायक हो जाती हैं। विनोद अपनी दोनों बेटियों के लिए एक ही घर में रिश्ता ढूंढता है। दोनों लड़के भाई थे। कुछ ही दिनों में दोनों बहनों की शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। लेकिन आरती अपनी सौतेली बहन श्रद्धांजलि की शादी से बिल्कुल खुश नहीं थी। ये श्रद्धांजलि की बच्ची तो मेरी जिंदगी में बिल्कुल च्युइंगम की तरह चिपक गई है। मायके के साथ साथ अब ससुराल भी एक होगा। नहीं, मुझे इस शादी को रोकना होगा। तभी वहाँ पर वैष्णवी आ जाती है और कहती है, अरे आरती बिटिया, जल्दी से तैयार हो जा, हल्दी की रस्म शुरू होने वाली है। ठीक है माँ, आप चलिए मैं आती हूँ। जलन के मारे आरती श्रद्धांजलि की हल्दी में काला रंग मिला देती है और उसकी मेहंदी में हाथ जलाने वाला केमिकल डाल देती है। जब सभी हल्दी की रस्म के लिए श्रद्धांजलि को हल्दी लगाने लगते हैं, तो हल्दी का रंग काला देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। अरे ये हल्दी काली कैसे हो गई? अरे माँ, ये तो अपशगुन है। तभी वहाँ मौजूद विनोद कहता है, ये अपशगुन जैसा कुछ नहीं होता, जरूर किसी ने हल्दी में गलती से काला रंग मिला दिया होगा। ये बोलकर विनोद बात को टाल देता है, जिसके बाद अच्छे से हल्दी की रस्म खत्म हो जाती है। अगले दिन मेहंदी की रस्म होती है। जैसे ही श्रद्धांजलि के हाथ पर मेहंदी लगाया जाता है तो उसका हाथ जलने लगता है। आह माँ, मेरा हाथ बहुत ज्यादा जल रहा है। हाथों में हो रहे जलन के मारे श्रद्धांजलि की मेहंदी बिगड़ जाती है, जिसे देखकर आरती बहुत खुश होती है और कहती है, देखा पिताजी, एक और अपशगुन। लगता है ऊपर वाला भी नहीं चाहता कि इस श्रद्धांजलि की शादी हो। विनोद आरती की इस बात को भी टाल देता है। शादी वाले दिन आरती बहुत महंगा लहंगा पहनकर मेकअप करवाती है। वहीं दूसरी तरफ श्रद्धांजलि अपनी माँ सुरेखा की शादी का लहंगा पहनती है। ओ गॉड, मेरी सौतेली बहन, तूने अपनी शादी वाले दिन ही ओल्ड फैशन सस्ता सा लहंगा पहन रखा है और ऊपर से ये सर पर घूंघट, हाउ चीप। आरती, ये लहंगा मेरे लिए बहुत बेशकीमती है, क्योंकि ये मेरी माँ का लहंगा है और मेरे लिए मेरी माँ का आशीर्वाद भी है। इतने में बारात आ जाती है। आरती बिल्कुल मॉडर्न दुल्हन की तरह डांस करते हुए एंट्री लेती है। तभी लोगों के सामने टाइट फिटिंग होने के कारण आरती का ब्लाउज फट जाता है, जिस कारण सभी उस पर हंसने लगते हैं। उस वक्त श्रद्धांजलि अपना दुपट्टा लेकर आती है और अपनी बहन को ढक देती है और उसे अपने रूम में ले जाती है और उसे अपना लहंगा पहनने को देती है। ये सब देखकर आरती के मन में श्रद्धांजलि के लिए प्यार जाग जाता है। मुझे माफ कर दे मेरी बहन, मैं तेरे साथ कितना बुरा व्यवहार करती हूँ, उसके बावजूद तेरे मन में मेरे लिए बिल्कुल नफरत नहीं है। आई लव यू सो मच, मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे तेरी जैसी बहन मिली। वो दोनों बहनें एक दूसरे के गले लग जाती हैं। आरती श्रद्धांजलि का लहंगा पहन लेती है और श्रद्धांजलि एक साधारण सी साड़ी पहन लेती है। ये सारी चीजें कमरे के बाहर खड़े होकर दोनों के होने वाले पति भी देख रहे थे। उनके मन में आरती और श्रद्धांजलि के लिए बहुत इज्जत बढ़ जाती है। उसके बाद दोनों बहनों की धूमधाम से शादी होती है और दोनों अपने ससुराल में खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। गरीब की चार बेटियाँ। मीनू दिखने में बहुत काली थी और उसके माता पिता बहुत गरीब भी थे, जिसकी वजह से उसकी कहीं शादी नहीं हो रही थी। मीनू की कहीं शादी ना होने की वजह से उसके माता पिता बहुत चिंता में रहते थे। मीनू का गांव बहुत पुराने ख्यालात का था।
सारे गांव वाले राघव नाम के एक लड़के को पकड़ते हैं जो मीनू से 5 साल का छोटा था और उसी से मीनू की शादी करवा देते हैं। शादी करके मीनू राघव के साथ रहने लगती है। गांव वालों के डर से राघव को मीनू को अपने पास रखना पड़ता है। मीनू घर की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से देखती थी। शादी के 10 साल बीत जाते हैं। मीनू की 4 बेटियां थी। तभी एक दिन राघव के ऑफिस में पूर्णिमा नाम की एक औरत आती है। पूर्णिमा बहुत खूबसूरत थी। उसे देखकर राघव अपने मन में सोचता है, ये औरत कितनी खूबसूरत है और एक मेरी बीवी, उसे तो अपने साथ कहीं बाहर ले जाने का भी मन नहीं करता है। सोचा था एक बेटा हो जाएगा तो ठीक रहेगा, लेकिन बेटियां हो गई, वो भी 4। इससे शादी करके तो मैंने अपनी जिंदगी नरक बना दी है। काश मेरी शादी ऐसी ही किसी लड़की से होती। राघव को पूर्णिमा पहली नजर में ही भा जाती है। कुछ दिनों बाद राघव पूर्णिमा के पास जाता है। हेलो, आपने हमारा ऑफिस ज्वाइन किया है, लेकिन अभी तक हम दोनों ने कोई बात नहीं की है। हाँ, बहुत काम रहता है ना। और अपने बारे में कुछ बताओ, घर में कौन कौन है? कोई नहीं, मैं अकेले रहती हूँ। अच्छा, आपकी अभी तक शादी नहीं हुई है क्या? हुई थी, लेकिन मैंने तलाक ले लिया। उसकी उम्र मेरे से काफी बड़ी थी। वो तो घर वालों के कहने पर मैंने शादी कर ली, लेकिन उसके साथ रहकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, तो आखिर में मैंने तलाक ले लिया। अब मैं खुद काम करके गुजारा करती हूँ और अपनी खुशी से रहती हूँ। राघव और पूर्णिमा आपस में काफी देर तक बातें करते हैं। घर आकर राघव सोचता है, अरे वाह, पूर्णिमा ने अपने पति से तलाक ले लिया है, ये अच्छा मौका है, मुझे बात बढ़ानी चाहिए। अगर उसने शादी के लिए हाँ कर दिया तो मीनू और उसके 4 बेटियों को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूंगा। वैसे भी ये मेरे पसंद की शादी नहीं है, जो मुझे अफसोस होगा। कुछ दिनों बाद राघव पूर्णिमा को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। पूर्णिमा शादी के लिए हाँ कर देती है। दोनों शादी करके घर आते हैं। दोनों को देखकर मीनू बहुत हैरान हो जाती है। ये क्या किया आपने? मैंने जो किया है बिल्कुल ठीक किया है। ये मेरी जिंदगी है और मैं इसे अपनी मर्जी से जीना चाहता हूँ। अगर तुम्हारे गांव वालों ने जबरदस्ती मेरी तुमसे शादी नहीं करवाई होती तो मैं तुम जैसी लड़की की तरफ देखता भी नहीं। मेरे बारे में नहीं सोचा? कोई बात नहीं, कम से कम अपनी बेटियों के बारे में तो सोच लेते। नहीं, मुझे इन 4ों से भी कोई मतलब नहीं है। अब मैंने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर ली है। तुम अपनी 4ों बेटियों को लेकर मेरे घर से बाहर निकल जाओ। मैं कहाँ रहूँगी? मेरे माता पिता का देहांत हो गया है, अब मैं वहाँ भी नहीं जा सकती हूँ। ये सब मुझे नहीं पता। तुम्हारी वजह से मैं अपनी नई जिंदगी खराब नहीं करना चाहता हूँ। मीनू अपनी 4ों बेटियों को लेकर घर से बाहर निकल जाती है। वो रोते हुए अपने मन में सोचती है, रात में मैं अपनी बेटियों को लेकर कहाँ जाऊँ? लेकिन यहाँ खड़े होकर कुछ नहीं होने वाला, कहीं तो जाना पड़ेगा। मीनू अपनी 4ों बेटियों का हाथ पकड़कर आगे बढ़ती है। माँ, अंधेरे में डर लग रहा है और कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। डरो नहीं, मैं हूँ ना तुम सबके साथ। मम्मी, मुझे प्यास लग रही है। तुम 4ों एक दूसरे का हाथ पकड़ के यहीं रहना, मैं नल से पानी लेकर आ रही हूँ। मीनू पानी लेने के लिए आगे बढ़ती है, तभी नशे में एक आदमी आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। क्या बात है, अंधेरी रात को कहाँ जा रही हो? मेरा हाथ छोड़ो। तभी वहाँ पर गांव का एक आदमी आता है। उसका हाथ छोड़। तू कौन है इसका जो बीच में टांग अड़ाने आ गया? लगता है प्यार की भाषा तुझे समझ में नहीं आती है। इतना बोलकर संजय उसे मारने पीटने लगता है। वो आदमी मीनू का हाथ छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। आपका धन्यवाद। इतनी रात में तुम अकेले कहाँ जा रही हो? मेरे साथ मेरी 4 बेटियाँ और हैं। मेरे पति ने हम सबको घर से बाहर निकाल दिया है। ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। वैसे यहीं पास में मेरी बुआ रहती है, अगर चाहो तो कुछ दिनों के लिए वहाँ रुक सकती हो। उसके बाद रहने का ठिकाना मिल जाए तो चली जाना। वैसे भी बच्चे बहुत भूखे प्यासे लग रहे हैं, वहाँ पेट भर कर खाना। संजय मीनू और उसकी बेटियों को अपनी बुआ के घर लेकर जाता है। संजय अपनी बुआ को मीनू के बारे में बताता है। आओ आओ बेटी, तुम्हारे बारे में जानकर मुझे बहुत दुख हुआ। इतनी प्यारी बच्चियों को लेकर अकेली इधर उधर घूम रही थी। इस दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं। बिटिया, तुम परेशान मत हो, जितने दिन चाहो यहाँ रुक सकती हो।
बुआ, टेबल पर सबके लिए खाना लगा दो और आप मेरे साथ कमरे में आओ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। संजय और उसकी बुआ कमरे में जाते हैं। संजय अपनी बुआ से कहता है, बुआ, बड़ी मुश्किल से इसे फंसा कर लाया हूँ, अब किसी अमीर क्लाइंट के हाथों इसे और इसकी बेटियों को बेच देना। हाँ, बहुत बड़ा माल हाथ आया है, लेकिन इसे शक तो नहीं हुआ ना? अरे नहीं, बहुत सफाई से काम किया है मैंने, इस बार मुझे पैसों में बिल्कुल आधा भाग चाहिए। मीनू दोनों की ये बातें सुन लेती है। ये आदमी मुझे यहाँ बेचने लाया है, मैं अभी अपनी बेटियों को लेकर यहाँ से भाग जाती हूँ। मैं अपने और अपनी बेटियों के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। मीनू अपनी बेटियों के पास जाती है। चलो, हमें यहाँ नहीं रहना। माँ, अभी तो हम आए हैं, अभी तो हमारा खाना भी खत्म नहीं हुआ है, खाना तो खाने दो। और वैसे भी अम्मा ने बोला है कि हम जितने दिन चाहे यहाँ रुक सकते हैं, फिर आप जाने के लिए क्यों बोल रही हो? ज्यादा सवाल जवाब मत करो, मैंने कहा ना, चलो हम यहाँ नहीं रुकेंगे, दरवाजा खुला है, एक एक करके निकल जाते हैं। मीनू अपनी बेटियों को लेकर बाहर निकलती है, तभी संजय और उसकी बुआ की नज़र उन पर पड़ जाती है। दोनों उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे भागते हैं। हमें इनको पकड़ना होगा, वरना हमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। दोनों को अपने पीछे भागता हुआ देख मीनू रोने लगती है। हे भगवान, मेरी मदद करो, मेरी बच्चियों, जोर जोर से भागो, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें इन दोनों के हाथ नहीं आना है। तभी मीनू सामने एक बड़ा सा रेस्टोरेंट देखती है और वो अपनी बेटियों को लेकर रेस्टोरेंट के अंदर घुस जाती है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पर वो दोनों हमें नहीं पकड़ पाएंगे। मीनू और उसकी बेटियों को रेस्टोरेंट के अंदर घुसते हुए देख संजय बोलता है, बुआ, अब ये हमारे हाथ से निकल गई है, अगर हमने रेस्टोरेंट में जाकर इसे पकड़ा तो वहाँ के मालिक पुलिस को बुलाकर हमें जेल भिजवा देंगे। उसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दोनों को जाते हुए देख मीनू अपनी बेटियों को लेकर रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाती है। आज मेरे साथ बहुत बड़ी अनहोनी होने से बच गई, अभी फिलहाल मैं यहीं सड़क पर रुक जाती हूँ। उसके बाद मीनू अपनी बेटियों को लेकर वहीं सड़क के कोने में बैठ जाती है। अगले दिन एक अमीर औरत उस रास्ते से गुजर रही थी। वो मीनू और उसकी चारों बेटियों को सड़क के कोने बैठे हुए देखती है। उसे उन पर बहुत तरस आता है। ये औरत अपनी बेटियों को लेकर सड़क पर क्यों बैठी हुई है, मुझे इससे बात करनी चाहिए। उसके बाद वो औरत मीनू के पास जाती है। तुम यहाँ पर अपनी बेटियों को लेकर क्यों बैठी हो? मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली है और मुझे बेटियों के साथ घर से बाहर निकाल दिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ रहूँ और कैसे अपना गुजारा करूँ। वो औरत अपने मन में सोचती है, इसके साथ तो बहुत बुरा हुआ है, मैं इसकी मदद जरूर करूँगी। उसके बाद वो औरत मीनू से कहती है, मेरा खुद का एक बड़ा सा रेस्टोरेंट है, मैं तुम्हें अपने रेस्टोरेंट में काम देती हूँ, और जब तक तुम्हें किराए का घर ना मिल जाए तब तक तुम मेरे साथ मेरे घर में रहना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद वो औरत मीनू और उसकी बेटियों को अपने साथ अपने घर लेकर जाती है। वो औरत अमीर होने के साथ साथ बहुत नेक दिल भी थी। अगले दिन से मीनू उसके रेस्टोरेंट में काम करने लगती है। कुछ दिनों बाद मीनू को किराए का घर भी मिल जाता है और वो अपनी बेटियों के साथ किराए के घर में रहने लगती है और रेस्टोरेंट में काम करके गुजारा करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ पूर्णिमा ने राघव को छोड़ दिया था। एक दिन मीनू रेस्टोरेंट से घर लौट रही होती है, तभी वो पूर्णिमा को देखती है। पूर्णिमा भी मीनू को देखती है और उसके पास आती है। तुम राघव की बीवी हो ना, जिसे मेरे आने के बाद उसने छोड़ दिया था? हाँ, लेकिन मुझे अब इस बात का कोई अफसोस नहीं है। अच्छा हुआ उसने मुझे छोड़ दिया, वैसे भी वो कभी मेरे से सही से बात तक नहीं करता था। अब मैं अपनी बेटियों के साथ अच्छे से जीवन गुजार रही हूँ। मैं इतना कमा लेती हूँ कि मेरी बेटियाँ अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ती हैं। बहुत अच्छी बात है ये तो। वैसे मैंने भी उस आदमी को छोड़ दिया है। अच्छा, लेकिन क्यों? बहुत अजीब था वो, हर बात पर रोक टोक करता था। मैं आज़ादी से रहना पसंद करती हूँ, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। जब मैंने उसे तलाक दिया तो तुम्हें याद कर रहा था, लेकिन मैंने उसे बोल दिया कि उसके जैसा घटिया आदमी कभी किसी अच्छी औरत के साथ टिक ही नहीं सकता है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। मीनू को राघव के लिए बुरा लगता है, लेकिन उसे वो सारी बातें याद थी जो राघव ने उसके साथ किया था, इसलिए वो राघव के पास दोबारा नहीं जाती।
मीनू अपनी चारों बेटियों के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रही थी।